क्या करते हो, घर में खाते हो कि बेचते हो बाजार में? बेचते हैं। अधिकांश लोग सिंघाड़ा खाते हैं, मगर उन्हें मालूम नहीं सिंघाड़ा होता कहाँ है। अच्छा ये देखो, ऐसे नीचे में फलता है सिंघाड़ा। अब हेमंत अंदर जाएगा और सिंघाड़ा आपको निकाल कर दिखाएगा। ये ऐसे तो आप लोगों ने खजूर भी निपटाया होगा और छुहाड़ा भी खाया होगा। छुहाड़ा का पेड़ और खजूर का पेड़ भी आप लोगों ने देखा होगा, मगर क्या आप लोगों ने कभी सिंघाड़ा का पेड़ देखा है? आप लोगों ने सिंघाड़ा का पेड़ नहीं देखा होगा, क्योंकि सिंघाड़ा का पेड़ होता ही नहीं है। सिंघाड़ा आपको जो ये दिख रहा है, ये नाला, इस गटर में सिंघाड़ा उगाया जाता है। और जिस सिंघाड़े का आप लोग हलवा भी खाते हैं, जिस सिंघाड़े को उबाल कर आप लोग चटनी से भी खाते हैं, तो ये छोटे छोटे बच्चे देखिए प्यार से एक ट्यूब लाए हैं, उसी ट्यूब में बैठकर इस नाले में घुसते हैं और इस नाले में जो खेती की गई सिंघाड़े की, उस सिंघाड़े को तोड़ तोड़ कर लाया करते हैं। देखिए सिंघाड़ा, ये बच्चे तोड़ के ला रहे हैं। ये सिंघाड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसके बाद से धोया जाएगा और धो करके मार्केट में बेचा जाएगा। अमूमन दीपावली के वक्त आपको ये सिंघाड़ा नज़र आता है, क्यों? सही बोल रहा हूँ ना? आप अंदर घुसे थे ना? हाँ। क्या नाम है बाबू आपका? हेमंत। हेमंत, अच्छा ये सिंघाड़ा उगा है पूरा? हाँ, पूरा सिंघाड़ा उगा है। हाँ, जैसे हम लोग किसानी खेती करते हैं तो हम लोग ऐसे फेंकते हैं? वैसा नहीं फेंकता, घर में ना उसको छोटा पेड़ करके यहाँ शराब मतलब तालाब में लाया जाता है और उसको 2-3 महीने तक रखा जाता है, उसके बाद फल आता है, उसके बाद तोड़ते हैं। अच्छा, मतलब इसका पौधा घर में उगाते हैं पहले? हाँ। उसके बाद ला करके यहाँ पे फेंकते हैं, फिर यहाँ पे सिंघाड़ा उगता है। हाँ। ऐसा ही है ना? हाँ। तो सिंघाड़ा का बीजा होता है, क्या होता है इसका? बीजा कुछ नहीं होता, जैसे ये पौधा है तो कुछ कुछ पौधे में पानी, सिंघाड़ा को ऐसे पानी में ऐसे डालते हैं, बोर के रखते हैं, उसमें जड़ आएगा ना, उसके बाद ना उसको बुआई करते हैं घर में। अच्छा, मतलब उसको पहले फेंक देते हैं। हाँ। जब उसमें रूट यानी कि जड़ निकलता है, उसके बाद ला करके उसे पानी में डाल दिया जाता है ताकि फिर उससे पेड़ निकले। ये दिखाई, ये सिंघाड़ा ये ना? हाँ। ये सिंघाड़ा का पौधा है। ये सिंघाड़ा का पौधा देखिए, इसमें तमाम आपको सिंघाड़े भी नजर आ रहे हैं। ये पूरा सिंघाड़ा है क्यों बच्चा? ये पूरा पौधा है। अच्छा, ये देखो ऐसे नीचे में फलता है सिंघाड़ा, जिसे हम ऐसे छील कर भी खा सकते हैं। अगर जिसको छीनने में तकलीफ होती है उसको ना हम उबाल कर ऐसे खाएंगे तो एक घम ऐसे निकल जाएगा, एक ही बार में ऐसे निकल जाएगा, उसके बाद खा सकते हैं। तुमसे नहीं निकल रहा है क्यों? हाँ, हार्ड हो गया है क्या? हाँ, हार्ड हो गया अभी। देखिए ये पौधा होता है। अच्छा, ये ट्यूब में आप बैठ के जाओगे? हाँ। तो खाई में यहाँ डर नहीं लगता? मतलब नहीं, सांप आप नहीं होता इसमें? होता है, लेकिन हमको डर नहीं लगता। डर नहीं लगता, वाह बेटा, जाओ बैठ जाओ, निकाल के दिखाओ हमको। तो क्या नाम बताए थे बाबू? हेमंत। हेमंत, हेमंत इस प्रकार से ट्यूब में बैठता है और ट्यूब में बैठ करके अभी ये चप्पल पर लगा लो बढ़िया से। अब हेमंत अंदर जाएगा और सिंघाड़ा आपको निकाल कर दिखाएगा। ये ऐसे, और पानी आप देखिए हर जगह बाबू, ये पानी देखिए, पानी भी कोई ऐसा बहुत साफ पानी नहीं होता है सिंघाड़े का, ऐसे दलदल मिट्टी में होता है क्या बाबू? नहीं, ऊपर में। ऊपर में होता है? हाँ। तो कैसे मालूम पड़ता है आपको ऊपर दिख नहीं रहा है? पौधा जैसे बड़ा होता है ना? हाँ। उससे पता चल जाता है इसमें सिंघाड़ा है। मतलब पौधा बड़ा होता है तब आपको मालूम पड़ता है। और थोड़ा दूर दूर जाइए। अब ये आप लोग क्या करते हैं, हेल्पर लोग हैं आप लोग? आप लोग मतलब बाबू तो तोड़ रहा है, आप लोग यहाँ बैठ के हेल्प करते हैं? क्या हेल्प करते हैं? सिंघाड़ा। अच्छा, जैसे वहाँ से डांट रहा था, मैं सिंघाड़ा ला के रख रहा हूँ, तुम पूरा खा जा रहे हो, वही हेल्प है क्या? क्यों बाबू? मतलब वो सिंघाड़ा खा जा रहे, तो डांट रहा था आप लोगों को, शर्मा क्यों रहे हो यार? अच्छा, जैसे वो सिंघाड़ा निकालता है यहाँ ला कर, फिर क्या करते हो, घर में खाते हो कि बेचते हो बाजार में? बेचते हैं। कितना मिलता है इसमें? 40 नहीं, 20-30 मिलते। 20-30 किलो की पाव? पाव नहीं, किलो। पाव नहीं तो किलो, अभी दाम आपको नहीं मालूम है। तो कितना होता है यार किलो? 30 रुपये। 30 रुपये किलो। इसको निकालने में मेहनत बहुत लगता है क्यों? हाँ। लेकिन 30 रुपये किलो मिलता है। जैसे ये पूरा घुमा के दिखाइए भाई, एंड से इस उस छोर से इस छोर तक पूरा तालाब को दिखाइए, कितना निकल जाएगा बाबू इसमें से? कितना किलो पे इस पूरा तालाब में से निकाल लेंगे, कितना किलो निकलेगा? कम से कम 2 क्विंटल। 2 क्विंटल निकलेगा? हाँ। तो देखिए इतने मेहनत से ये सिंघाड़े को निकाला जाता है और ये छोटे छोटे बच्चे ट्यूब में बैठे देखिए किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं और बारी बारी अपने हाथों से पहले पौधा को
ऊपर उठाते हैं, उसके बाद उसी पौधे के नीचे एक या फिर दो सिंघाड़ा अगर पक गया है तो उसे तोड़ कर रखा जाता है। उसके बाद फिर जैसे बाबू ने बताया कि तमाम तरीके हैं इसे खाने के, कुछ लोग सिंघाड़े का हलवा बनाकर खाते हैं, कुछ लोग सिंघाड़े की रोटी भी खाते हैं, सिंघाड़े का आटा पिसवा लेते हैं, तो कुछ लोग सिंघाड़े को उबाल कर क्या बाबू को दिखाओ, आहा निपटाओ बाबा इनको दिखाओ, तो कुछ लोग ऐसे बाबू की तरह कच्चा भी खा लेते हैं। अच्छा कैसा लगता है, टेस्ट कैसा होता है इसका, खट्टा अच्छा रहता है? आओ नीचे आओ, एक छील कर दो हमको भी। ये देखिए बड़ा वाला सिंघाड़ा छील कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से सिंघाड़े को निकाला जाता है। तो वो उस छोर से इस छोर तक आप देखिए जो इतना बड़ा तालाब है, तो इसमें 2-3 कुंटल सिंघाड़ा निकल जाएगा। तो इस प्रकार से एक एक करके सिंघाड़े को तालाब में घुस करके निकाला जाता है। बाबू आ जाओ, आ जाओ वापस आ जाओ। तो हमने उनसे कहा कि आप थोड़ा सा अंदर जाइए और हमारे दर्शकों को दिखाइए किस प्रकार से आप ट्यूब में बैठ कर जाते हैं। देखिए वो नाव की तरह वो तैर कर ढूंढते हैं और ढूंढ करके निकालते हैं। निकाल दिए, लाओ। तो देखिए ये हालांकि उसी बहुत ख़ास चीज़ तो है नहीं, आप लोग भी कमेंट में लिखेंगे कि डायमंड थोड़ी जो हमको ऐसा दिखा रहा है, सिंघाड़ा हर कोई देखा ही है, मगर कुछ बच्चे निकाल रहे हैं तो मुझे लगा वो दिखाना चाहिए। अधिकांश लोग सिंघाड़ा खाते हैं मगर उन्हें मालूम नहीं सिंघाड़ा होता कहाँ है। हमारे भी एक मित्र थे, कह रहे थे सिंघाड़ा का पेड़ होता है, तो उनके लिए भी एक वीडियो काम की है कि सिंघाड़े का पेड़ नहीं होता, सिंघाड़ा इस प्रकार से इन जो दलदल नुमा तालाब होते हैं उसमें उगाया जाता है। तो ये सिंघाड़ा है। चलिए तो स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप सिंघाड़े का रोटी खाते हैं, हलवा खाते हैं, या फिर उबाल कर खाते हैं, या फिर इनकी तरह कच्चा निपटाते हैं। धन्यवाद।